अभी इसी चैप्टर में हमारे पास थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि सपोज़ हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल है, वो गैसेस मॉलिक्यूल कितने टाइप से रोटेट कर सकता है या फिर कितने टाइप से मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट मोशन भी बोल सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, वो क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ एक मॉलिक्यूल कैसे मूव कर सकता है वो देखेंगे हम, किस किस टाइप से मूव कर सकता है। सपोज हमारे पास सिंपल एक पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल, ये हमारा कोई गैसियस पार्टिकल है, ये कैसे मूव कर सकता है। तो फर्स्ट है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या होगा, मेरे पास सपोज कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक्स वाई एंड जेड, कोई मेरा पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट है वो मोशन करने के लिए, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। हमारे पास टोटल थ्री एक्सेस हैं थ्री डी कोऑर्डिनेट्स में, तो जो पार्टिकल है हमारा फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी एक्सेस के लोग एक्स वाई और जेड। तो टोटल हमारे पास जो ट्रांसलेशनल मोशन हो गए उसके, टोटल ट्रांसलेशनल मोशन कितने हो गए पार्टिकल के, थ्री। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, पार्टिकल आपका रोटेट भी कर सकता है, तो रोटेशन नेक्स्ट है आपके पास, रोटेशन, रोटेशनल मोशन। और थर्ड है आपके पास वाइब्रेशनल मोशन। आपका पार्टिकल रोटेट भी कर सकता है किसी भी एक्सिस के लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग, और आपका पार्टिकल वाइब्रेट भी कर सकता है किसी भी एक्सिस के लोग। अब रोटेशन और वाइब्रेशन ये आपके जो दो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपके जो एडवांस तरीके से हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल कैसे रोटेट हो सकता है, किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो वो हमारा रोटेशन काउंट होगा। सपोज़ मेरा एक मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, सिंपल इसी टाइप से डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, अगर ये वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसकी पोजीशन में मुझे कुछ चेंज नहीं दिखेगा। मीन सपोज हमारे पास ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डेड कोई दो कार्बन है, और इस कार्बन ये मेरा वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है और ये रोटेट करेगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो मुझे इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं दिखेगा, तो इस वाले रोटेशन को हम काउंट नहीं करेंगे। सपोज ये वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है और ये अपने एक्सिस पे इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो इस वाले रोटेशन को हम काउंट करेंगे, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है और एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहा है तो उस वाले रोटेशन को हम काउंट करेंगे। तो रोटेशन को काउंट करने के मेथड्स हैं वाइब्रेशन, आपके सिमेट्रिक वाइब्रेशन, एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, बैंडिंग, सीजरिंग, रॉकिंग, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म्स हैं। बट यहाँ हम सिंपली देखेंगे कि सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में कि एक मॉलिक्यूल है वो रोटेशन मोशन कैसे दिखा सकता है, और एक मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन मोशन कैसे दिखा सकते हैं, और कितने वाइब्रेशन मोशन होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे रोटेशन की। अगर मैं बात करता हूँ रोटेशन मोशन की, तो रोटेशन मोशन में हमारे पास टू टाइप के पार्टिकल्स हैं। हम सिंपल, अगर मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास पार्टिकल है या एटम है सपोज ए, तो इसके लिए मैं रोटेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता और ना ही ये वाइब्रेट हो सकता है, बिकॉज इसके पास केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि वाइब्रेशन आपका जब ही होगा जब आपके पास केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, उन बॉन्ड्स में हमारे पास वाइब्रेशन होगा, स्ट्रेचिंग होगा, बेंडिंग होगा, इस टाइप से होगा। तो जो सिंगल मॉलिक्यूल है उस सिंगल मॉलिक्यूल के पास ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करने का चांसेस अवेलेबल है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ना ही वो रोटेशन दिखाएगा ना ही वो वाइब्रेशन दिखाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल पार्टिकल है, तो वो सिंगल पार्टिकल हमारा ओनली ट्रांसलेशनल शो करेगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर और ब्रीफ में जाए तो टोटल इसके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, डी ओ एफ लिख देंगे हम, वो होंगी थ्री, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस एंड वन अलोंग जेड एक्सिस। अब रोटेशन मोशन की बात करते हैं। रोटेशन मोशन में हमारे पास
सिंगल जो पार्टिकल है वो तो नहीं शो करेगा। अब डायटोमिक और ट्राइटोमिक दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, डायटोमिक की बात कर लेते हैं और ट्राइटोमिक। पोलीएटोमिक भी इसी में आ जाता है, ट्राइटोमिक की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट ट्राइटोमिक से जितने भी नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, और स्पेशली डायटोमिक एक अलग है। मोनाटोमिक कुछ नहीं शो करेगा रोटेशन, डायटोमिक के पास जो रोटेशन मोशन का है वो 2 degree ऑफ फ्रीडम है, और ट्रांसलेशन की मैं ट्राइटोमिक की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पास 3 degree ऑफ फ्रीडम है। बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल जिस एक्सेस पे प्रेजेंट होगा उस एक्सेस पे अगर वो रोटेशन करेगा तो उस रोटेशन को हम काउंट नहीं करेंगे। वाई एक्सेस प्रेजेंट है तो वाई एक्सेस वाला रोटेशन हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज उसमें पार्टिकल की पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। बट यही सेम चीज़ जब जेड एक्सेस के अलोंग रोटेट करेगा वहीं पे प्रेजेंट पार्टिकल, और एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो उसको हम रोटेशन एग्जैक्टली में काउंट करेंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 2, ट्राईएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3, बिकॉज ये किसी भी एक्सेस में प्रेजेंट होगा, कभी भी इसका आप रोटेशन करेंगे तो इसके कंप्लीट रोटेशन काउंट होंगे जितने भी ये रोटेशन करेगा, बिकॉज इसकी पोजिशन में हर बार कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगा। तो रोटेशन मोशन हो गया, ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड जो है आपका वाइब्रेशनल है, थर्ड है मेरे पास वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो वाइब्रेशनल मोशन है आपका इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल मोशन इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। तो अब होगा क्या, सपोज़ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। इस सब का कंक्लूजन क्या हुआ, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है वो ऑलवेज 3 ट्रांसलेशन मोशन शो करेगा अलोंग 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है। डायटोमिक है तो ट्रांसलेशन के साथ साथ 2 रोटेशन, और ट्राइटोमिक है तो ट्रांसलेशन के साथ साथ 3 आपका रोटेशन मोशन शो करेगा। तो जो अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होगा, 3n। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, मैंने एक पार्टिकल लिया a, मेरे पास टोटल पार्टिकल्स कितने आपके 1। अगर मेरे पास वन पार्टिकल है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3। मीन्स जो सिंगल पार्टिकल था वो ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा, वो क्या आपका 2 ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। तो ये बात यहाँ से कंफर्म भी हो जाती है कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका क्या होगा, 3n, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चैलेंज है वो कैलकुलेट करना है क्या, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल ट्राइटोमिक है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उसके बाद कैसे कैसे शो करेगा, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वाइब्रेशनल को डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी यहाँ के हिसाब से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि मॉलिक्यूल कोई भी आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने शो करेगा। तो उसके लिए क्या है, मेरे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल की, डायटोमिक की, और एक टेबल में आते हैं हम ट्राइटोमिक के लिए। तो डायटोमिक में टोटल 3n हो गए, ट्राई में भी टोटल 3n हो गए आपके। उसके बाद ये 3 ट्रांसलेशनल वाले और 2 रोटेशन वाले, टोटल आपके कितने हैं 3n, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितने हो जाएंगे 5। यहाँ पे भी आपके टोटल क्या हैं 3n, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितने हो गए आपके 6, बिकॉज ट्राइएटोमिक के केस में या पॉलीएटोमिक के केस में टोटल 3n, 3 ट्रांसलेशनल आपके और 3 आपके रोटेशनल वाले, तो टोटल क्या हो गए 6, ठीक। अभी क्या है, हमें वाइब्रेशनल निकालना है। तो जो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इक्वल है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, टोटल 3n है ट्रांसलेशनल। अब पहले मैं डायटोमिक की बात कर लेता हूँ आपसे, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, वाइब्रेशनल आ गया आपके 3n-5। सी टाइप से अगर ट्राइटोमिक की बात कर लें, टोटल सेम टाइप से कर देंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ,
वाइब्रेशनल क्या हो जाएंगे आपके 3n-6, बिकॉज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन क्या आपके 6। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल में या डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको बेंजीन का भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेंजीन और नेप्थलीन का, जैम एग्जाम में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में नेप्थलीन और बेंजीन का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हीलियम का ले लेते हैं। हमें पता है कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका, ओनली ट्रांसलेशन शो करेगा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 3। अगर मैं कंसिडर करता हूँ HCl और कोई भी डायटोमिक मोल H2Cl2 कुछ भी ले लेते हैं हम, O2, इन सब का क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं वाइब्रेशनल की बात करता हूँ तो टोटल पहले टोटल देखेंगे। ट्रांसलेशनल आपको पता है कितना होगा, 3। रोटेशन की बात करूँ 2, बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम बात करते हैं इसमें वाइब्रेशनल की, तो 3 × n-5। n क्या है आपके, 2, बिकॉज दो पार्टिकल, दो एटम्स प्रेजेंट हैं। आइदर वो आपके सेम एटम्स हैं या फिर डिफरेंट एटम्स हैं, उससे कोई मीनिंग नहीं है कि आपके HCl है और H2 है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होगा, नहीं। ये आपका होमो और ये आपका हेट्रो, मीन्स इसमें टू टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी टाइप और ये आपका A2 टाइप है। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका पार्टिकल्स डिफरेंट हैं और सेम है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, 3 × 2 = 6, तो वाइब्रेशनल कितना आ जाएगा आपका, 1। ठीक है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशन 2, वाइब्रेशन 1। अब वाइब्रेशन इसमें कौन सा होगा वो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास टोटल 1 प्रेजेंट है। तो 1 वाइब्रेशन प्रेजेंट है तो ये वाइब्रेशन कौन सा होगा, ये स्ट्रेचिंग होगा, बेंडिंग होगा, जो भी होगा ये आपका पार्ट जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि वाइब्रेशन इसमें कौन सा वाला वाइब्रेशन है, तो वो पार्ट आपका बाद में कवर करेंगे। थर्ड मैं कैलकुलेट कर बेंजीन का, बेंजीन का कैलकुलेट करो C6H6। इसमें ट्रांसलेशनल आपके ऑलवेज 3, रोटेशन किस टाइप का है, पार्टिकल लीनियर है, नॉन लीनियर है, उससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें क्या है, हमें देखना है कि ट्राइटोमिक पार्टिकल है या आपका डायटोमिक पार्टिकल है, लीनियर और नॉन लीनियर है। अगर लीनियर पार्टिकल है तो रोटेशन कितने होंगे आपके, 2। नॉन लीनियर पार्टिकल है तो रोटेशन कितने होंगे आपके, 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर लीनियर पार्टिकल है तो रोटेशन 2 होंगे, नॉन लीनियर पार्टिकल है तो आपके रोटेशन 3 होंगे। ठीक है, और जो अब मैंने आपको अभी रोटेशन में डिस्कस किया था कि डायटोमिक है और ट्राईएटोमिक है, तो वहाँ से कन्फ्यूज़न मत होना, बिकॉज डायटोमिक पार्टिकल ऑलवेज क्या होगा, लीनियर ही होगा। डायटोमिक पार्टिकल ऑलवेज लीनियर होगा, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बेंजीन के केस में, बिकॉज बेंजीन के केस में आपको दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक तो प्लेनर और एक लीनियर, ये दो चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं हमेशा बेंजीन के केस में। प्लेनर और लीनियर, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, प्लेनर और लीनियर। बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है बट लीनियर नहीं है। लीनियर का मीनिंग क्या है आपका, लीनियर का मीनिंग है आपका कि सपोज़ ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे सारे के सारे पार्टिकल्स इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर प्रेजेंट है तो मैं इसको बोलूँगा लीनियर। जैसे मैं HCl की बात कर लेता हूँ तो HCl मेरा क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। H2 की बात करते हैं तो H2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। O2 की बात करते हैं तो O2 क्या है हमारा, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो लीनियर एवरी डायटोमिक मॉलिक्यूल इज लीनियर। ट्राईएटोमिक, आप कोई भी ट्राईएटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लीजिए, वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। ट्राईएटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर कौन सा होगा, O, जैसे हम बात कर लेते हैं CO2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि मॉलिक्यूल ट्राईएटोमिक होने के बाद हमारे लीनियर हैं, जिनमें मल्टीपल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, वो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, लीनियर होंगे। अदरवाइज जनरल केस में ट्राईएटोमिक मॉलिक्यूल कोई भी लीनियर नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ लोगों के माइंड में ये स्ट्रक्चर आना होगा BCl3। BCl3 का शेप ये होता है आपका ये, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या आपका लीनियर है, ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है बट लीनियर नहीं है। जैसे नेप्थलीन की बात कर लेते हैं, एंथ्रासीन, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं
तो ये भी मॉलिक्यूल सभी नॉन लीनियर में हैं, बट ये मॉलिक्यूल क्या हैं, प्लेनर हैं। तो नॉन लीनियर और प्लेनर ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन का केस डिस्कस किया है। तो रोटेशन में अगर आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर आप ऐड करना चाहें तो साथ में डाई और ट्राईएटॉमिक के साथ ये वाले टर्म्स भी ऐड कर सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो उसका रोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है तो उसका रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज क्या होगा, 3 होगा। ये भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ रोटेशन के केस में अगेन, इससे कन्फ्यूजन ना हो। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर या फिर आपका डायटोमिक, इसमें 2, ठीक है, नॉन लीनियर और ट्राईएटॉमिक, इसके साथ एक कंडीशन है एक्सेप्ट सम केसेस लाइक CO2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आप ऐसे इसको याद कर रख सकते हैं कि इन केसेस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में आप जाओगे तो आपको ये रूल फॉलो हो जाएंगे रोटेशन के लिए। तो दो तरह से मैंने बता दिया रोटेशन, डायटोमिक और ट्राईटोमिक या पोलियाटोमिक के टर्म में। और अगर आपको वैसे नहीं याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लीनियर के केस में 2 होगा, नॉन लीनियर के केस में 3 होगा। कुछ ही एक एग्जांपल्स हैं जो कि ट्राईटोमिक होने के बाद लीनियर स्ट्रक्चर है, बाकी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स क्या हैं आपके, ट्राईटोमिक होने के बाद में नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अभी बेंजीन का देख लेते हैं, बेंजीन का क्या है। तो बेंजीन क्या है आपका, प्लेनर बट नॉन लीनियर में आएगा, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3 और वाइब्रेशनल 3n-6। 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 30। तो बेंजीन जो है आपका वो 30 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करता है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3 और 30 वाइब्रेशनल। तो ये यहाँ से बेंजीन लाइक मॉलिक्यूल का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी देखा टॉपिक, उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, H2O, H2S, CH2, CO2 एक्सेट्रा, काफ़ी एग्जांपल्स हैं। आप जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, आप लीनियर नॉन लीनियर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स हैं आप उनको कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, उसमें रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट इसमें इसी से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इसके नाम से ही क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमने अभी देखा था कि जो हमारी एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी, 3/2 RT और 3/2 KT। ये कब था, जब मैं NA मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था, और ये कब था आपका, जब मैं 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, ठीक है, इन केस ऑफ 1 मोल और इन केस ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी हमने देख लिया था कहाँ से ये टर्म जनरेट होती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन एनर्जी मीन्स अभी हमारे पास टोटल ट्रांसलेशनल मोशन बी है, आप सेकेंड है आपके पास रोटेशनल मोशन और थर्ड है आपके पास वाइब्रेशनल मोशन। तो जो भी हमारे पास गैसेस पार्टिकल्स होंगे उनके ये तीन पॉसिबल वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना मोशन ट्रेवल कर सकते, या फिर वो जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रेवल कर सकता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जिन पाथ्स के थ्रू वो ट्रेवल कर सकता है, वो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब क्या है कि जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो है 3/2 RT। तो ये टोटल एनर्जी इन तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम में, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इनके अलोंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसलेशनल में क्या होगा। तो कोई पार्टिकल अगर ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, सपोज मेरे पास ए कोई गैसेस पार्टिकल है, ये शो कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन,
तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन में 3/2 में से हाफ के टी और हाफ आर टी वाला जो पार्ट होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन में कंट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सेकंड, अगर मैं बात करूँ रोटेशनल की, रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में भी क्या होगा, आपका हाफ पार्ट आर टी और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो हाफ के टी पार्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा इन रोटेशनल मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की, वाइब्रेशनल मोशन की, तो वाइब्रेशनल मोशन में होगा क्या, आपका जो पार्टिकल होगा वाइब्रेशनल मोशन में, वो सपोज मेरे पास एक ये पार्टिकल है इस कॉर्नर पे, एक यहाँ है, ये दोनों वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेंगे अलोंग ए बॉन्ड। सपोज ये ए और बी के बीच में मेरे पास ये बॉन्ड है और मैं वाइब्रेशन देखना चाहता हूँ, तो कभी तो ये आइदर ये स्ट्रेच होगा, आइदर क्या होगा, कंप्रेस होगा और बैंड होगा, तो जिस भी टाइप का वाइब्रेशन मोशन शो करेगा उनकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी शो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्लूडेड होंगी वाइब्रेशनल मोशन में। तो इनके केस में अगर हम इक्वपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 × ½ RT और KT इक्वल्स टू KT और RT। तो हमारा क्या होगा, एक जो पार्टिकल होगा वो दो टाइप के एनर्जीज के अकॉर्डिंग काम करेगा, वन आपकी काइनेटिक एनर्जी, अदर आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को कंट्रीब्यूशन लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी वाले टर्म को। तो ट्रांसलेशनल के केस में अगर हमारे पास कोई पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन शो कर रहा है तो हाफ के टी या हाफ आर टी, रोटेशन के केस में भी आपका हाफ के टी हाफ आर टी, बिकॉज यहाँ पे एक एक एनर्जी टर्म इंक्लूडेड है। बट जैसे ही हम वाइब्रेशनल में जाएंगे तो वाइब्रेशनल में दो पार्टिकल दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन करेंगे, तो उस टाइम पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इंट्रोड्यूस हो जाती हैं इसमें, और इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद में इसका हमें डबल करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज दो टर्म्स अभी इंक्लूड हो गई हैं। रोटेशन में आइदर काइनेटिक आइदर पोटेंशियल, इसी टाइप से ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट वाइब्रेशन के केस में दोनों आ जाएंगे, तो दोनों आ जाएंगी तो इसमें आरटी टर्म जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में और वाइब्रेशनल में इक्वपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने तीनों चीज़ें देख ली अभी तक, ये तीनों के केस में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वाइब्रेशनल का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे इसको, कि ये एक्चुअल में वाइब्रेशन मोशन में काइनेटिक कहाँ से जनरेट होता है और पोटेंशियल कहाँ से जनरेट। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोनों टर्म्स आती हैं, तो उसी टाइप से वाइब्रेशन के केस में भी दोनों टर्म्स आएंगे। तो इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किस किस का सम होगी आपका, अभी इसी बेसिस पे अगर बात करें तो टोटल एनर्जी आपका ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस एनर्जी आउट ऑफ वाइब्रेशनल। तो अकॉर्डिंग टू इक्वपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारा जो टोटल एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन मोशन में जितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा, रोटेशन में जितना इन्वॉल्व होगा और आपका वाइब्रेशन में जितना एनर्जी आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा जो टोटल एनर्जी थी वो आपकी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल का एक मिक्सचर है। अब इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं हम, ई टोटल इक्वल्स टू एन वन के टी बाई टू, और अगर आप एन ए मोलिक्यूल्स की या वन मोल की बात करें तो आप इसमें आर टी भी कर सकते हैं, प्लस एन टू के टी बाई टू प्लस एन थ्री के टी। तो ये मेरा किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रांसलेशनल के, ये मेरा रोटेशनल के और ये मेरा वाइब्रेशनल के। तो ये जो है हमारा टोटल एनर्जी का एक टर्म बन जाता है, ई टोटल इक्वल टू एन वन ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन, एन टू रोटेशनल का और एन थ्री इंटू आपका वाइब्रेशनल का। अब एन वन एन टू क्या है, ये आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो भी हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी तक जहाँ तक हमने देख लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो वही हमें एग्जैक्टली पुट करनी है। एन वन आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन टू आपका रोटेशनल और एन थ्री आपका वाइब्रेशनल। जैसे हमने सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट किया था, हीलियम के लिए, हीलियम के लिए क्या था हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, और सिंपल मोनोएटॉमिक पार्टिकल है तो मोनोएटॉमिक पार्टिकल के लिए कौन सा वाला पॉसिबल है आपका, ओनली ट्रांसलेशनल।
तो इसके लिए अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ ई टोटल, तो वो कितना हो जाएगा, एन वन के प्लेस पे थ्री के टी बाई टू। इसी टाइप से सेकेंड हमने डिस्कस किया था अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में, एच सी एल और एच टू ऐसे बोल सकते हो आप। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायटोमिक मोलिक्यूल हो गया, डायटोमिक के केस में क्या था, ट्रांसलेशनल की बात करें तो थ्री, रोटेशन की बात करें तो टू, और वाइब्रेशन क्या था आपका थ्री एन माइनस फाइव, तो वाइब्रेशनल कितनी हो जाएगी आपकी वन, बिकॉज थ्री इंटू टू माइनस फाइव टोटल वन। तो अब सेम चीज़ हमें, सेम टोटल एनर्जी किसके लिए लिखनी है, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास एच सी एल एच टू ओ जैसा एच टू जैसा, उसके लिए लिख देते हैं ई टोटल। क्या होगा आपका, सबसे पहले ट्रांसलेशनल थ्री इंटू के टी बाई टू प्लस रोटेशनल टू इंटू के टी बाई टू प्लस वाइब्रेशनल वन इंटू के टी, टोटल क्या हो जाएगा आपका थ्री के टी बाई टू प्लस टू के टी। हम इसको टोटल टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास सेवन के टी बाई टू। तो ये टोटल एनर्जी किसके लिए आ गई हमारी, एच सी एल और एच टू टाइप के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल एनर्जी आ गई। इसी टाइप से आप थर्ड एग्जांपल बेंजीन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड जो सेम एग्जांपल हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्कस किए थे वो सभी एग्जांपल्स सेम है, बट हमें सिर्फ जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले को यूज़ करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है कि हमारे पास जो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल में टोटल एनर्जी हमारे पास अभी तक कितनी आती है। इसके बाद क्या है, इसमें एक हीट कैपेसिटी वाली टर्म है, वो अभी हीट कैपेसिटी जो है वो हम जब पढ़ेंगे थर्मो में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है उससे कि इसके लिए हम सी बी और सी पी की वैल्यू लिखनी है हीट कैपेसिटी की, तो वो मैं आपको एक छोटे से पार्ट में कवर करा देता हूँ। इतना आपका क्लियर है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा जो हमारी टोटल एनर्जी थी अकॉर्डिंग टू इक्वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई ट्रांसलेशनल में रोटेशनल में और वाइब्रेशनल में। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन वन के टी बाई टू प्लस एन टू के टी वाई टू प्लस एन थ्री के टी। ये डिपेंड करेगा आपका कि आप वन मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो या फिर वन मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। अब इसमें एक नई टर्म और आती है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या, इसको जो डिनोट करते हैं वो हम करते हैं सी बी से। सी बी मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। V यहाँ पे है, जो भी चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट में होगी वो सफिक्स में आ जाएगी, तो ये हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको हम यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे, बट इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार सी बी और एनर्जी के रिलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ से हमारा सी बी जो होगा वो डेल्टा ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मीन्स जो हमारे पास एनर्जी टर्म आएगी, एनर्जी टर्म का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वही क्या हो जाएगा हमारा सी वी। तो एनर्जी तक कैलकुलेट, एनर्जी तक आने के लिए हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे कैसे ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, देन हमने एनर्जी कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू इक्वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी, थर्ड हम क्या करते हैं सी बी कैलकुलेट करेंगे हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी तक आने के लिए हमें तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ट्रांसलेशन को देंगे वाइब्रेशन को देंगे या रोटेशन को देंगे। नेक्स्ट आपको एनर्जी वाली टर्म का पता होना चाहिए, उसके बाद आप सी वी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ रिलेशंस हैं जो सी वी और एक आपका हीट कैपेसिटी रेशियो होगा, वो भी मैं अभी बताऊँगा कैसे होगा और इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी सी वी और इससे पहले हमने जो पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी सी वी कैलकुलेट करने के लिए सपोज़ मेरे पास, मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने एग्जांपल नंबर वन हीलियम। हीलियम आपको बताया गया मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा थ्री, और ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा ट्रांसलेशनल मोशन। इतना क्लियर है। इसके बाद एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे आएगा इसका ई टोटल एन वन
आर टी बाई टू और के टी बाई टू प्लस एन टू आर टी बाई टू प्लस एन थ्री आर टी। अभी आपको पता है इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ये आपका रोटेशनल और ये आपका वाइब्रेशनल, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, मिसिंग होंगे यहाँ पे, बिकॉज ना तो ये रोटेशन के थ्रू अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करता है ना ही वाइब्रेशन के थ्रू मोशन करता है। तो जो मोनोएटॉमिक है वो आपका क्या दिखाएगा, ओनली ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा, एनर्जी ई टोटल एन वन थ्री इंटू आर टी बाई टू, तो टोटल क्या हो गया आपका थ्री आर टी बाई टू। ये आपके ये जो एक्सप्रेशन आया ये है आपका हीलियम के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या हो गया थ्री आर टी बाई टू। अब हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सी वी फोर हीलियम डेल्टा ई टोटल ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो क्या हो जाएगा आपका थ्री बाई टू आर। तो यहाँ से आपका आ जाता है एक रिलेशन, रिलेशन जो हमने सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड स्टेप एनर्जी टोटल और थर्ड स्टेप आपका सी वी कैलकुलेशन। तो हमने तीनों स्टेप बाय स्टेप एक बार पूरा देख लिया है कि कैसे इसका क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ सेम चीज़ मोनो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ या डायटोमिक गैसेस के साथ, तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन का HCl और आपका Cl2, कुछ भी ले लेते हैं डायटोमिक। डायटोमिक सपोज मैंने आपका कोई भी HCl और Cl2 में से कुछ भी H2 AB और AB2 जो हमने अभी देखा था उनमें से कुछ भी हमने ले लिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन ये क्या क्या शो करते हैं, ये ट्रांसलेशन भी शो करेगा, आपका रोटेशन भी शो करेगा और आपका वाइब्रेशन भी शो करेगा। ट्रांसलेशन की बात करूँ तो 3 ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कितने शो करेगा 2। रीज़न क्या है आपका, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ऑलवेज लीनियर होगा, आप डायटोमिक भी बोल सकते हो आप लीनियर भी बोल सकते हो, लीनियर मॉलिक्यूल होगा डायटोमिक होगा 2 और वाइब्रेशन 3 इंटू 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू 1। तो अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन क्या दिखाएगा ओनली 1, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका 3n, जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। तो रोटेशन ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन देख लिया, रोटेशन का कंट्रीब्यूशन देख लिया और वाइब्रेशन का देख लिया। नेक्स्ट हमें मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, ई टोटल क्या होगा आपका n1 3a rt by 2 प्लस 2 rt by 2 प्लस 1 rt, टोटल क्या हो जाएगा मेरा 3 rt by 2 प्लस 2 rt आपका क्या हो जाएगा 7 rt by 2। इतना क्लियर है मोनोएटॉमिक गैस के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसके लिए सी वी कैलकुलेट करेंगे, सेम टाइप से फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा आपका जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 7R/2। इसी टाइप से जब आप ट्राई एटोमिक गैस के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज मैंने कोई भी ट्राई एटोमिक गैस ले ली इस बार थर्ड ट्राई एटोमिक गैस, O3 ओजोन ले लिया हमने, ठीक है ओजोन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ट्रांसलेशन 3 शो करेगा। अब ट्राई एटोमिक गैस या फिर नॉन लीनियर, तो इनके केसेस में जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3, ये क्या होगा आपका रोटेशन। और वाइब्रेशन में 3 इंटू 3 माइनस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा माइनस 6, बिकॉज 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, नॉर्मल क्या था हमारे पास वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए 3n माइनस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है वाइब्रेशन आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा टोटल आपका 3, तो ये क्या शो करेगा आपका 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 3 वाइब्रेशन 3 और यहाँ भी आप कर देंगे 3, तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी आपकी क्या हो जाएगा 3 आरटी प्लस 3 आरटी इक्वल टू 6 आरटी। क्लियर, 3 आरटी बाई 2 3 आरटी बाई 2 और 3 आरटी, तो टोटल क्या हो गया आपकी 3 प्लस 3 6 आरटी। सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम टाइप से तो क्या हो जाएगा आपका 6 आर, ठीक है। ये मैंने एक जनरल कुछ भी एग्जांपल डिस्कस किए, आप ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में O3 ना लेके CO2 CS2 ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा आपका लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा, तो उसके लिए रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2। तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट में
आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सीवी से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स जो डायरेक्टली हम डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मेंशन किया हुआ है, तो उसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है आपका, हमने पढ़ा सीवी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या था आपका यहाँ पे, वॉल्यूम। सेम टाइप से एक टर्म आती है आपकी सीपी, ये भी आपका हीट कैपेसिटी है, और ये हीट कैपेसिटी क्या है आपका, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक इनमें रिलेशन आता है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं हम सीपी ओवर सीवी, तो ये फर्स्ट रिलेशन है आपका, ये आपको माइंड में रखना है। सीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने देख लिया है, डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीपी का डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ नहीं है, मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस एनर्जी के साथ सीपी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सीपी के लिए अब हम सीवी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स से ड्राइव करेंगे बाद में कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हमारा कैसे आया, और गामा इक्वल टू सीपी ओवर सीवी, ये दोनों चीज़ें क्लियर है। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब अगर मैं देखूँ इक्वेशन नंबर टू से तो Cp माइनस Cv क्या आपका पॉजिटिव है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आपको Cp माइनस Cv क्या आपका पॉजिटिव है, मीन्स अगर मैं किसी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो Cp है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा Cv के, ठीक है, जो हमारा Cp है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होगा, Cv के। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकला कि हमारे पास जो गामा है, गामा किसका रिलेशन है, Cp वर्स Cp डिवाइडेड बाय Cv, मींस गामा क्या होगा हमारा, ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर देन होगा वन। तो Cp और Cv के सभी रिलेशंस हो गए, ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके, वन टू और Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे सभी के लिए Cp Cv गामा और ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अभी मैंने हीलियम का एग्जांपल लिया था, तो हम उसी एग्जांपल से Cp Cv हमने कैलकुलेट किया था, हम वहीं से Cp कैलकुलेट कर सकते हैं। हीलियम के लिए Cv हमने क्या कैलकुलेट किया था, 3/2 आर, मोनोटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एनर्जी 3/2 आर टी, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के बाद सी वी आ गया था हमारा 3/2 आर। सी पी कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, सी पी मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं रिलेशन यूज़ करूँगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी क्या हो जाएगा मेरा आर प्लस सी वी, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 आर क्या हो जाएगा आपका 5 आर/2। डायरेक्टली हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा क्या होगा आपका सी पी ओवर सी वी, गामा क्या हो जाएगा आपका 5 आर/3 आर, यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 समथिंग, ठीक है। तो मोनोएटोमिक गैस के लिए ये हमने किसके लिए कैलकुलेट की वैल्यूज़, मोनोएटोमिक गैस के लिए, आप ऐसे ही डायएटोमिक गैस के लिए कर सकते हो, ट्राईएटोमिक गैस के लिए कर सकते हो, इवन आप बेंजीन के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज बेंजीन के लिए भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सी वी एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सी पी आर प्लस सी वी ईजिली मिल जाएगा, गामा सी पी ओवर सी वी, इतना क्लियर है। मोनोएटोमिक, डायएटोमिक, ट्राईएटोमिक, टेट्राएटोमिक और पॉलीएटोमिक गैसेस के लिए भी या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से सी पी वैल्यू, सी पी वैल्यू और गामा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेम यूज़ एक चीज़ एक जगह पर और होता है, वो कैसे, सपोज मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो हमने सिंपल देखा कि आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कराएगा, ठीक है, इसी के साथ आपको एनर्जी कैलकुलेट करा देगा, ये मेरा टाइप वन हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस एनर्जी, यहीं से सीवी, और टाइप टू में क्या जा सकते हैं, हमसे सीपी पूछ सकता है, गामा वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है, मोनोएटोमिक के लिए, डायएटोमिक के लिए, ट्राईएटोमिक के लिए, इसी टाइप से। अब इसमें अगर मैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको गामा की वैल्यू दे देगा, सपोज मुझे गामा की कुछ वैल्यू दे दी एक्स, और मेरे से पूछ लेगा कि मॉलिक्यूल आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गामा की वैल्यू के बिहा पे आप मॉलिक्यूल को कैसे बताएंगे कि मॉलिक्यूल आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट
मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम गामा के बेहाप पे कि मॉलिक्यूल आपका लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। अभी हमें गामा की वैल्यू गिवन होगी और कुछ और पैरामीटर्स गिवन होंगे। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो ये गामा की वैल्यू है सपोज एक्स, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, गामा की वैल्यू के यहाँ पे हमने देखा था कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कुछ 1.6 के समथिंग आई थी, डायएटॉमिक के लिए भी आपकी 1.4 के समथिंग आती है, और ट्राईएटॉमिक के लिए भी इसका गामा का कुछ वैल्यू है। तो अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए तो हमें लीनियर नॉन लीनियर का कुछ मीनिंग ही नहीं है। जब हम डायएटॉमिक में जाएंगे तो डायएटॉमिक के लिए भी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं आपके, लीनियर, और ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं आपके, नॉन लीनियर, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस लाइक CO2 CS2 जिसमें कि आपके मल्टीपल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उन केसेस को अगर हम छोड़ दें तो उनके उनसे अलग जितने भी ट्राईएटॉमिक के पॉसिबल केसेस हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं आपके, नॉन लीनियर। तो इस टाइप से गामा वैल्यू के बेसिस पे और कुछ और पैरामीटर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि आपका जो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो लीनियर लीनियर नॉन लीनियर होगा, और गामा की वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है और नॉन लीनियर है। इतना क्लियर है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन आप बोल सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, एक लिमिटेशन बोल सकते हैं, वो लिमिटेशन है मेरे से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। इसको अच्छे से मार्क कर लो लिमिटेशन को, बिकॉज ये लिमिटेशन है मेरी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी मैं बताता हूँ आपको, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ लिमिटेशन क्या है। जैसे आप वाइब्रेशन कैलकुलेट करते हो तो वाइब्रेशन आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, वाइब्रेशन आपके टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर हम हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। दो केसेस में ले लेता हूँ यहाँ पे, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हम जनरली कंसिडर कर लेते हैं रूम टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर तो अपना रूम टेम्परेचर से ऊपर 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री सब अपना हाई टेम्परेचर में जाएगा। तो रूम टेम्परेचर को हम कंसिडर कर लेते हैं लो टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर डिपेंडेंट, लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो सपोज जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे थे कि ट्रांसलेशनल के लिए 3 है, ट्रांसलेशनल के 3 है, रोटेशन के लिए 2 और 3 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल, और वाइब्रेशन के लिए 3n-5 और 3n-6। तो मोड आपके सेम रहेंगे, वाइब्रेशन सपोज मेरा डायएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है तो मेरे पास वाइब्रेशन मोड होंगे उसके लिए 3n-5, इतनी बात ओके है यहाँ तक। और अगर मेरे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए मेरे पास मोड होंगे 3n-6, ये भी यहाँ तक ठीक है। बट अभी जो हमारे पास टोटल जो मोड्स आ गए वाइब्रेशन के, उसमें से रूम टेम्परेचर पे कितने कंट्रीब्यूट करेंगे और हाई टेम्परेचर पे कितने कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हाई टेम्परेचर पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो होता है फुल। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ फॉर्मूले से कैलकुलेट हो के बेंजीन के लिए हमारे पास 30 आए थे, तो 30 में से 30 मॉलिक्यूल हाई 30 वाइब्रेशन मोड हाई टेम्परेचर पे कंट्रीब्यूट करेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। बट अगर मैं बेंजीन के केस में 30 वाइब्रेशन आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर मैं बात करूँ कि रूम टेम्परेचर पे कितने एक्टिव होंगे, तो 30 मोड्स में से ओनली 20% एक्टिव होंगे एट रूम टेम्परेचर RT। मीन्स अगर मैं लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड्स के कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ कि ये कितने कंट्रीब्यूशन शो करेगा, तो ये करेगा ओनली 20% एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात, ये हमारी लिमिटेशन है, इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपको देगा, पर्टिकुलर देगा, वो बोलेगा कि एट रूम टेम्परेचर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस HCl, हीलियम, बेंजीन, लाइक दिस, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बट अगर हम उसमें अगर मेंशन नहीं करता है कि आपका रूम टेम्परेचर की बात करें या हम हाई टेम्परेचर की बात करें, तो आपको उसमें सभी मोड्स को इंक्लूड करना है, मीन्स
हाई टेम्परेचर की बात करें तो फुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर उसको रूम टेम्परेचर पे आपसे कैलकुलेट करवाने तो मेंशन करेगा कि रूम टेम्परेचर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और कितने मोड्स हमारे पास उस टाइम पे एक्टिव होंगे, तो कितने होंगे, जितने भी आपके पास वाइब्रेशन आएंगे उसका 20%। सपोज मेरे पास 6 आए तो 6 × 20/100, बेंजीन के लिए मेरे पास 30 आए थे तो 30 × 20/100 आप कॉन्ट्रीब्यूशन वाइब्रेशन का निकालेंगे रूम टेम्परेचर में ओनली 20%। अब ऐसा क्यों होता है कि वाइब्रेशन के केस में ओनली 20% एक्टिव होंगे? उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो सपोज मेरे पास ए बी मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, ये बॉन्ड का मोशन बहुत ही स्लो होता है। मीन्स जो इसमें वाइब्रेशन होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे, तो जो टोटल वाइब्रेशन आएंगे उसका कुछ ही परसेंट ये कंट्रीब्यूट करेगा। और जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन फास्ट हो जाएगा, तो वाइब्रेशन में इनका फास्ट हो जाएगा। तो ये केस था हमारा लिमिटेशन, जो किसके साथ अटैच है, ओनली वाइब्रेशन के साथ। ट्रांसलेशन आपका फ्री है, रोटेशन आपका फ्री है, वाइब्रेशन के साथ में ये कंडीशन अटैच है कि हम उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना कंट्रीब्यूट करेगा रूम टेम्परेचर पे, कितना कंट्रीब्यूट करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो अभी इसको एक समराइज़ कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि इन सबसे रिलेटेड ही है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपीसीवी वैल्यू, अपने अकॉर्डिंग कोई भी गैस ले लो, सपोज हीलियम, एचसीएल, नेप्थलीन, बेंजीन, कुछ भी ले लो, उसके लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इतना क्लियर होना चाहिए। दो केस थे यहाँ पे, नॉन लीनियर रोटेशन के लिए, नॉन लीनियर और लीनियर, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए भी दो केस थे, नॉन लीनियर और लीनियर। नॉन लीनियर के केस में 3, लीनियर के केस में 2, नॉन लीनियर के केस में 3n-6, लीनियर के केस में 3n-5, और ट्रांसलेशन क्या होंगे, ऑलवेज आपके 3। उसके बाद सेकंड, एनर्जी, टोटल एनर्जी, यहाँ से हम ई टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशन प्लस ई वाइब्रेशन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था क्या मेरा, n1 RT/2, n2 RT/2 + n3 RT। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, सीवी हीट कैपेसिटी आपका एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसको कल निकालने का क्या था आपका, जो टोटल एनर्जी था उसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको Cp का वैल्यू मिल जाएगा। Cp से Cv में कैसे जाएंगे, Cp-Cv=R और γ=Cp/Cv। ये फॉर्मूले हमारे हीट कैपेसिटी से रिलेटेड थे। Cp है आपका हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से हमने तीन चीज़ें देखी, गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको किसी भी केस के लिए, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए। एक हमने फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था इसका, लिमिटेशन किसके केस में देखा था मैंने, वाइब्रेशन के केस में, कि जो हमारे पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके केस में लिमिटेशन क्या था आपका। दो हमने बात की थी रूम टेम्परेचर की और हाई टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर पे ओनली 20% कंट्रीब्यूट करेंगे जितने भी मोड्स होंगे, और अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे फुल कंट्रीब्यूशन होगा। बस आपको ये पॉइंट एक मार्क करके रखना है। तो अभी तक पूरे डिस्कशन से हमारे टोटल ये उसका कंक्लूजन निकल गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, थर्ड आपका सीवी, और नेक्स्ट आपका लिमिटेशन। तो ये इन सब के भी आप पे अभी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, आप कुछ गैसेस कंसिडर करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट सीवी फॉर डिफरेंट गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट है आपका हीलियम, सेकेंड है आपका H2 और कोई भी आपका Cl2, थर्ड है आपका ओजोन। तो इनके लिए आप रूम टेम्परेचर पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हीलियम के लिए रूम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसके पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं। अगर मैं H2 और Cl2 की बात करता हूँ तो यहाँ से वाइब्रेशन कितने निकल के आते हैं हमारे पास, 3n-5, बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 × 2-5 आपका 1, तो 1 का कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 × 0.2,
तो आपका जो इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा वाइब्रेशन का, वो आएगा ओनली 0.2% या 0.2 वाइब्रेशन आएगा। अगर मैं इसके लिए एनर्जी लिखता हूँ ई टोटल, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 3RT/2 अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन मोशन, देन प्लस रोटेशन का RT या 2RT/2 प्लस वाइब्रेशन के लिए 1 × RT, और इसका कितना 20% में 0.2, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास 3RT/2 प्लस RT प्लस आपका 0.2RT, इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारा ई टोटल होगा। ई टोटल के बाद हम सी वी बता सकते हैं उसका, जस्ट डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं ओजोन की बात करता हूँ तो ओजोन में वाइब्रेशन होगा, तो इसमें भी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। वाइब्रेशन कितना होगा 3N-6, तो 3 × 3-6 टोटल आपका 3 आएगा। 3 आएगा तो 3 का कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 0.2 में 0.6 कॉन्ट्रीब्यूट किस में करेगा आपका वाइब्रेशन में। अगर आप इसको कैलकुलेट करना है तो सेम टाइप से ई टोटल 3RT/2 4 ट्रांसलेशनल प्लस 3RT/2 4 रोटेशनल प्लस 0.2 × 3RT 4 वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का क्या था 3RT का 0.2% में 20% इतना कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे आप रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं CV की वैल्यू। तो आपको CV की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे दोनों पे कैलकुलेट करनी है। अगर हाई टेम्परेचर मेंशन है तो हमें क्या करना है, फुल कंट्रीब्यूशन लेना है, मींस 1 था तो 1 ऐड करेंगे, 3 था तो 3 ऐड करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो ऑलवेज क्या कंसिडर करना है आपको, हाई टेम्परेचर। फिर क्वेश्चन किससे करना है, हाई टेम्परेचर से। इफ रूम टेम्परेचर नॉट मेंशन देन आपको हाई टेम्परेचर कंसिडर करना है और क्वेश्चन को अपने करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट CP CV डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल में। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जिसमें आप बता सकते हो, आपसे जनरली पूछा है, सपोज मुझे मेरे पास कोई रैंडम गैस है, मुझे नहीं पता कि वो गैस आपकी मोनोएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है, नहीं पता। मुझे सिर्फ क्या पता है उसका गामा वैल्यू पता है कि 1.17 मेरी उसकी गामा वैल्यू है। तो गामा वैल्यू के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि वो गैस आपका मोनोएटॉमिक है कि डायएटॉमिक है या आपकी ट्राईएटॉमिक है। कैसे बताएंगे गामा वैल्यू के बेसिस पे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल के लिए गामा हमने देखा था कि मोनो एटॉमिक के लिए गामा की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 1.6 समथिंग आई थी। डायएटॉमिक के लिए इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1.4 समथिंग आएगी। इसी टाइप से आपका ट्राईएटॉमिक के लिए 1.1 या 1.2 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि हमारी गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक है। और यहाँ से हमें और कुछ पैरामीटर गिवन हो तो हम CV भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से हम CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम गामा की वैल्यू हमें पता है कि कितना है आपका 1.17। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि गामा की वैल्यू के भी यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मोनोएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक गैस है। तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा।